हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपमवन। तो चलिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास सिक्स फ्रैक्शन पेज नंबर 161 एक्सरसाइज 7.6 हम अभी यही चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने फिफ्थ नंबर तक सब ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। आई होप सो आपको पाँच नंबर तक जो सम था वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें और प्लीज़ सपोर्ट करें। तो चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन के बाद हम सिक्स नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ पीस ऑफ वायर 7x8 मीटर लॉन्ग, यानी कि एक वायर का पीस है, वायर यानी तार का पीस है, जो इलेक्ट्रिक वाला तार होता है या फिर कुछ भी मान लीजिए वायर है, तो वो 7x8 मीटर लंबा है। लॉन्ग ब्रॉक इंटू टू पीसेस, 7 मीटर लॉन्ग ब्रॉक इंटू टू पीसेस, यानी कि ब्रॉक मतलब टूट गया दो पीसेस में, वो जो तार था वो दो पीसेस में ब्रॉक यानी टूट गया। वन पीस वॉज अ 1x4 मीटर, यानी एक पीस जो टुकड़ा था वो 1x4 मीटर का था, लंबा था। तो हाउ लॉन्ग इज़ द अदर पीसेस, तो पूछ रहा है कि जो एक टुकड़ा तो 1x4 मीटर लंबा था, लेकिन दूसरा पीस था वो कितना मीटर लंबा था वो हमें बताना है। एक पीस का हमारा दे रखा है, दूसरा हमें बताना है, और टोटल हमें बता रखा है कि 7.8 मीटर था। तो देखिए हमें अज्यूम करना होगा कि मतलब कैसा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा डायग्राम बना लो आप रफ में। मान लो कि ये हमारा 7.8 मीटर लंबा तार है, मान लीजिए ये वायर है, ठीक है, ए से लेके बी तक मान लिया हमने। अब इसमें से क्या बोल रहा है, एक दोनों दो भाग मतलब बीच में से टूट गया, यानी ये था और ये था, ये बी पार्ट था और ये ए पार्ट था, तो इसमें से क्या हुआ, ये बीच से ब्रॉक कर गया है, तो ये दो पीसेस में बट गए हैं, ठीक है, एक पीस ये हो गया, एक पीस ये बट गया। तो ये हमारा पता है कि 1x4 मीटर है, लेकिन ये कितना है हमें बताना है, यही बोल रहा है ना। तब यहाँ पे हम दूसरा नंबर डाल दे रहे हैं, सी और डी कर लीजिए, तो ए सी 1x4 है और हमें डी भी निकालना है, क्लियर है। तो हमने अज्यूम तो ये कर लिया, अब हमें निकालना। तो मान लीजिए कि अगर कोई बोलता है कि आपके पास ये फ्रैक्शन है, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि तुम्हारे पास 2 मीटर लंबा तार था, उसमें से तुम हाफ टूट गया, तो 1 मीटर कितना है, दूसरा मीटर, हम इजीली बता सकते हैं कि 1 मीटर है, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि ये आधा था तो 1 मीटर है, आधा है तो कितना मीटर। अगर हमारा जो होल नंबर में आ रहा है तो हम उसको तुरंत बता दे रहे हैं, यानी पूरा मतलब नंबर में है। अगर फ्रैक्शन टाइप में दे रहा है तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रैक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, फ्रैक्शन में हमें ऐड और माइनस करके पता करना होता है। तो हमें तो एडिशन में आता है फ्रैक्शन करना और सब्ट्रैक्शन भी करना, हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमने 2 में से अगर माइनस किया 1, तभी तो हमें पता चला कि हमारा आंसर जो था वो माइनस करके हमने निकाला। तो उसी तरह से हमें अब यहाँ पे भी क्या करना है, 7x8 में से 1x4 को अगर हम इसे सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, फ्रैक्शन को हम इसे फ्रैक्शन के द्वारा हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर जो है वो निकल जाएगा, क्लियर। तो चलिए हम बढ़ते हैं सवाल की ओर। सवाल की ओर बढ़ने से पहले देख लीजिए कि ये अगर वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन है तो हमें इसे वर्ड प्रॉब्लम में ही लिखना होगा, तो हम इसे वर्ड प्रॉब्लम में ही लिखते हैं सॉल्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना था, 7x8 मीटर, यही था। अब हमें पता है कि वन पार्ट का कितना है लेंथ, वन पार्ट लेंथ ऑफ वायर कितना था, 1x4 मीटर था, यही था। अब हमें अदर पार्ट, जो बचा पार्ट है उसका कितना है, अदर पार्ट ऑफ लेंथ ऑफ वायर, तो कितना निकालना है हमें, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। हमें पता है कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो 7x8 - 1x4 हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखिए नीचे जो हमारा दिया है, डिनोमिनेटर अलग है, यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन हमें क्या करना होता है, एलसीएम करके निकालना है, यानी कि एलसीएम करके हम इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तो हम इसे आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए चलिए रफ में हम थोड़ा सा डायग्राम आप दिखा सकते हो, स्कूल में ज़रूरी नहीं कि आप रफ में करो, सामने भी आप ये चीज़ दिखा सकते हो, तो एग्जामिनर को और अच्छा लगे कि बच्चे ने अच्छे से सवाल को समझा है। तो ये चीज़ आप रफ में करिए, बाकी ये डायग्राम आप सामने दिखा सकते हैं।
तो हम यहाँ पे 8 और 4 का सब्ट्रैक्शन एलसीएम निकालेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 1 2, यानी हमारा 8 एलसीएम आया, हमारा एलसीएम जो है 8 आया। तब हम क्या करेंगे, 7 बाई 8, यहाँ नीचे 8 है तो हम 8 को 8 बनाने के लिए 1 से और 7 को भी 1 से, 7 1 जा 7, हमारा देखिए एक पार्ट अपने आप ही मिल गया क्योंकि इसका एलसीएम जो था 8 आया था। फिर 1 बाई 4 था, अभी इसे 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 2 से करेंगे तो हमारा 2 बाई 8 आ जाएगा, मिल गया। अब हमें क्या करना है, 7 माइनस 2 बाई 8, दोनों में 8 है तो हमें क्या करना है, नीचे भी 8 करना है। तो 7 में से अगर हमने 2 निकाल दिया तो हमारा 5 बाई 8 आंसर आ गया, क्लियर है। तो इसका मतलब कि जो पार्ट एक पार्ट था उसका 1 बाई 4 था, दूसरा पार्ट जो हमारा था इसकी लेंथ कितनी थी, 5 बाई 8 लेंथ थी, हमने जो था वो आंसर निकाल लिया, इसकी लेंथ कितनी है, 5 बाई 8। तो ये हमारा हो गया आंसर, आंसर हमारा क्या हो गया, 5 बाई 8 मीटर, जो कि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसे अब हम तोड़ नहीं सकते, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। सो आई होप सो आपको 6 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं। तो तब तक के लिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड थैंक यू, एंड प्लीज़ 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 सपोर्ट मी।